हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज ये क्यू एंड ए वीडियो है। तो कुछ वीक्स पहले मैंने आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी में पूछा था कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज मैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं उन्हीं का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये मुझे बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई यू होम स्कूलिंग चिया। तो हम लोग कनाडा में लास्ट ईयर ही मूव हुए हैं। तो जैसे ही हम कनाडा में मूव हुए थे तो चिया 3.5 साल की थी, तो उसे हम लोगों ने डे केयर में डाल दिया था। तो चिया इस ईयर मार्च तक जो है वो डे केयर में जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्री के है वो सितंबर में स्टार्ट होता है, और इस साल सितंबर में चिया का प्री के स्टार्ट होना था। तो इसलिए हम लोगों ने उसे डे केयर में डाला था, वो डे केयर में जा रही थी। बट मिड मार्च से ही जैसे ये इस पैंडमिक के चलते जो है वो डे केयर्स वगैरह जो हैं वो बंद हो गए, तो चिया भी घर में ही थी। जून मंथ में डे केयर जो थे वो रीओपन हो गए, बट वी डिसाइडेड कि हम लोग चिया को डे केयर नहीं भेजेंगे, और साथ ही साथ इस ईयर इसे प्री के लिए भी इसके एडमिशन नहीं करवाएंगे ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, क्योंकि हमें ये रिस्क लेना वर्थ नहीं लगा कि चिया को बाहर भेजें। टू बी ऑनेस्ट, चिया की लर्निंग को लेकर मुझे कभी भी टेंशन नहीं रही है कि मुझे चिया को ये चीज़ करवानी है, वो चीज़ करवानी है, नहीं तो ये पीछे रह जाएगी अभी या बाकी बच्चे आगे चले जाएंगे, तो इस चीज़ की स्ट्रेस मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। बट उसे मैं डिफरेंट चीज़ें जो लर्न करने के लिए इसलिए देती हूँ ताकि उसे मैं बिजी रख सकूँ, और उसके अंदर जो ये एनर्जी है उसे कंस्ट्रक्टिव वे में कहीं जो है वो यूटिलाइज कर सकूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग अभी कनाडा में अभी ही मूव हुए हैं लास्ट ईयर, तो यहाँ का क्या करिकुलम है, यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। इंडिया का तो आइडिया है, बट यहाँ का सिस्टम क्या है तो वो हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस सितंबर मंथ से सोचा कि इसे जो प्रॉपर कैनेडियन करिकुलम है उसकी मैंने कुछ बुक्स मंगवाई, प्री किंडरगार्टन की भी और किंडरगार्टन की भी कुछ बुक्स मंगवाई, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है किस टाइप का है, अगर किंडरगार्टन या फिर प्री किंडरगार्टन में बच्चा क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चे को आना चाहिए। और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो यहाँ पे किंडरगार्टन तक हैं वो चिया को ऑलमोस्ट आ जाती हैं, और अभी मैं उसके साथ ग्रेड वन का जो सिलेबस कह लीजिए वो कुछ टॉपिक्स जो है मैं चिया को करवा रही हूँ। तो मेन रीज़न चिया को होम स्कूलिंग करवाने का यही था कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे चिया को बाहर स्कूल भेजने का। होपफुली ये सारी सिचुएशन जल्दी ही ठीक हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर सितंबर में चिया का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चिया की लर्निंग को लेकर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल में नहीं जा रही है तो मुझे टेंशन है कि वो कुछ सीख नहीं रही है, वो घर में भी बहुत कुछ सीख रही है। बट स्कूल ना जाने का नुकसान ये हो रहा है कि उसका जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल जीरो हो गई है, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्पेशली जब आप किसी नई कंट्री में हो तो वहां का कल्चर क्या है, वहां का लाइफस्टाइल क्या है, वो चीजें समझने के लिए आपको सोशली थोड़ा इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो उस चीज का मुझे थोड़ा लगता है कई बार कि चिया का जो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल जीरो हो गई है, घर में रह रही है। तो उसी वजह से नेक्स्ट सितंबर में चिया जो है वो उसका स्कूल हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो होम स्कूलिंग से ही रिलेटेड कि आप चिया को जो होम स्कूलिंग करवाते हो, आप कोई करिकुलम फॉलो कर रहे हो, इंडियन करिकुलम फॉलो कर रहे हो, कनेडियन करिकुलम फॉलो कर रहे हो। तो जैसा मैंने आपको अभी कहा कि मैंने अभी रिसेंटली ही कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं कनेडियन करिकुलम की, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे किंडरगार्टन या प्री किंडरगार्टन में बच्चों को क्या करवाते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई करिकुलम फॉलो कर रही हूँ, मैं उसे रैंडमली चीज़ें करवाती हूँ जो भी मुझे लगता है कि चीज़ इंटरेस्टिंग है, चिया को करवानी चाहिए और जो करके उसे मज़ा आएगा मैं वो चीज़ें उसे करवा देती हूँ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत बार पूछा गया है तो वो टाइम मैनेजमेंट का है, लाइक आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो बिटवीन होम स्कूलिंग, हाउस चोर्स एंड एवरीथिंग। तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है अपने टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने शेयर किया है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आउट। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, तो हो सकता है वो आपके लिए
हेल्पफुल हो। नेक्स्ट कमेंट जो मुझे बार बार आता है वो है कि जो हमारी रीडिंग की सीरीज़ है उसमें मैंने आगे अभी कुछ नहीं डाला। तो मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ टाइम पहले शेयर किया था कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पर मैं अभी काम कर रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो इस वीक वो चीज़ें या तो मैंने इस वीडियो के आने से पहले आपसे शेयर कर दी होंगी या इस वीडियो के बाद मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और जो रीडिंग की सीरीज़ है ऑफकोर्स मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ और फ्यूचर में आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग जैसे ही मुझे किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करते हो या फिर अगर मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि मैं वीडियो डालूंगी बट वो वीडियो थोड़ा डिले हो जाता है तो उसका मेन रीज़न यही है, मुझे चिया को हैंडल करना पड़ता है, हाउस चोर्स होते हैं और अभी सिचुएशन ऐसी है कि कई बार आप ओवरवेलम हो जाते हो तो मुझे कई बार टाइम नहीं मिल पाता है अगर वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपकी किसी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही हूँ, बट सिर्फ यही है कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा, कई बार ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस मंथ से जो रेगुलर हमारा स्केड्यूल था 3 वीडियोज़ पर वीक उसे कंटिन्यू रखूँ और होपफुली नेक्स्ट ईयर से और मीनिंगफुल और हेल्पफुल वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। और एक और चीज़ जो मुझे बार बार पूछी जाती है वो चिया की एज की है। तो चिया नेक्स्ट ईयर मार्च में जो है वो 5 साल की हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं कई बार अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू हियर और जिन्हें पता नहीं है, चिया नेक्स्ट ईयर मार्च में 5 साल की हो जाएगी। तो आप लोगों की एक और मुझे रिक्वेस्ट बार बार आती है कि आप चिया को टॉपिक ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो करवाएं। आई ट्राई माई बेस्ट कि जैसे मैं चिया को कोई चीज़ करवाऊँ तो वो मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। बट जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। चिया को मैं डेली बेसिस पे उसकी जो होम स्कूलिंग है वो हम करते ही हैं बट कई बार क्या होता है कि वीडियोस बना के उन्हें अपलोड करना इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी टॉपिक्स मैं चिया को करवाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी कहते आई हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। तो ऐसा नहीं है कि जो भी मैं चिया को करवा रही हूँ वो बाई डिफॉल्ट ही मुझे चीज़ें आती हैं, मुझे खुद से पहले रिसर्च करना पड़ती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मुझे खुद से ही पहले रिसर्च करके मटेरियल गैदर करना पड़ता है फिर वो मैं चीज़ें चिया को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी भी चीज़ें मैंने चिया को सिखाई हैं जैसे ही मुझे टाइम मिले तो उनका वीडियो मैं जो है अपलोड कर दिया करूँ।